समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुआ, जिसके संबंध में सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक सिंह कुशवाहा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सभी कार्यकर्ताओं को प्रदेश में जाना है। उन्होंने कहा, सपा सरकार बनने पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी और जो विकास योजनाएं ठप हैं उन्हें फिर से शुरू कराया जाएगा। इस अवसर पर पार्टी के अखिलेश यादव, अवधेश यादव, दूधनाथ मौर्य, जय प्रकाश यादव, मुन्नीलाल यादव, संजय पहलवान, दयाशंकर निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक सिंह कुशवाहा ने कहा, समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन सभी लोगों को पूरे प्रदेश में इस बात के लिए जनता के बीच में जाने का आह्वान किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र सरकार की 7.5 साल की सरकार है और उत्तर प्रदेश की जो 4.5 साल की सरकार है, इनकी जो जन विरोधी नीतियाँ हैं और पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, वंचितों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जो संवैधानिक अधिकारों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है, उसके बारे में जनता के बीच में हम बताएं कि किस तरह से आम आदमी का जीवन इन्होंने दुर्भर कर रखा है, जीवन जीना मुश्किल कर रखा है। हमारे मुखिया, हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का सपना है कि हम 2017 में जहां से छोड़ करके गए थे विकास की योजनाओं को, वहां से हम सारी विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की राजनीति को शुरू किया है, समाज को बांटने के तरीके को शुरू किया है, जातियों को आपस में भिड़ाने का राजनीति शुरू किया है, उसको हम खत्म करके एक सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, जिससे आम आदमी, सर्व समाज का आदमी समाज में जीने लायक बन सके, उसका जीवन अच्छा हो सके, विकास कर सके, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके।